नीति अब यहीं हमारे साथ रहेगी। इतने कांड करने के बाद भी नीति के सर पे चोट लगने की वजह से उसकी याददाश्त चली गई है। मैं नीति हूँ, परी की बेस्ट फ्रेंड। और आप लोग? वो चोट बोल रही है, कोई याददाश्त नहीं खोई उसकी। वो पक्का इस कार में आई है ना, तो किसी मकसद से आई है। वो जरूर कोई ना कोई प्लानिंग कर रही है। कलर्स चैनल पर आ रहे सीरियल परिणीति के आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं बड़ा ट्विस्ट। शो की कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर नीति की याददाश्त जा चुकी है। जब डॉक्टर से बात होती है तो पता लगता है परी को कि नीति की आधी याददाश्त जा चुकी है। शादी से पहले का उसे सब याद है। नीति अब यहीं हमारे साथ रहेगी। इतने कांड करने के बाद भी नीति के सर पे चोट लगने की वजह से उसकी याददाश्त चली गई है। मैं नीति हूँ, परी की बेस्ट फ्रेंड। और आप लोग? वो चोट बोल रही है, कोई याददाश्त नहीं खोई उसकी। वो पक्का इस कार में आई है ना, तो किसी मकसद से आई है। वो जरूर कोई ना कोई प्लानिंग कर रही है। शादी और बाद का उसे कुछ भी याद नहीं है। ऐसे में परी जो है काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। नीति के लिए डॉक्टर्स ये भी कहते हैं अगर आप कोशिश करेंगे उसके दिमाग पर जोर डलवाने की तो वो कोमा में भी जा सकती है। और यही बात जब राजीव और राजीव के घर वाले पूछते हैं परी से तो परी कहती है कुछ भी सही नहीं है, नीति की आधी याददाश्त खो चुकी है। राजीव को अभी भी लग रहा है कि शायद कुछ तो गड़बड़ है। क्या होगा अब आने वाले एपिसोड में, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बेबे और नीति की मॉम कोशिश करेंगे कि नीति जल्द से जल्द ठीक हो जाए। उससे अतीत भी पूछने की कोशिश करेंगे, याद दिलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच आने वाले एपिसोड में दलजीत और जो राकेश है वो प्लान बनाएंगे परी को मारने का। आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। शो की कहानी आगे बढ़ने वाली है और जहां पर नीति को परी घर लेकर जाएगी उसका पूरा ध्यान रखेगी, उसे स्ट्रेस फ्री रखने की कोशिश करेगी। यानी कि परी को एक तरीके से अच्छा भी लग रहा है कि उसकी पुरानी दोस्तों से मिल गई है जो कि वो काफी समय पहले खो चुकी थी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।